मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ मैंने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने मैथ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। तो दोस्तों अगर आप मैथ सीखना चाहते हो, अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हमने मैथ्स के बेसिक चैप्टर क्लियर किए हैं जिसमें हमने कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है जिससे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी सीरीज को ज्वाइन जरूर करें। इस सीरीज में हमने अपने चैप्टर्स बेसिक चैप्टर्स कम्प्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, इंडिसेस एंड सर्च, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी, ये सभी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। इसके बाद हमने एचसीएफ तथा एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और एचसीएफ तथा एलसीएम से रिलेटेड हमने दो वीडियोज यहाँ पर डाल दी हैं और ये आज हमारी थर्ड क्लास है। इस सीरीज की ये हमारी 21 क्लास है और इस एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर की हमारी ये थर्ड क्लास है। लास्ट वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिटेल में जाना था कि ये क्या होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलसीएम और एचसीएफ सीखना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो जरूर देखें। आज हम एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक, एलसीएम हमारे पास लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक। जैसे हमारे पास कोई भी टू नंबर्स हैं, 2 और 7 है, जैसे इनका एचसीएफ क्या होगा, 2 के फैक्टर लिखेंगे हम यहाँ, क्या क्या होता है 1 और 2, 7 भी 1 और 7, क्योंकि ये और किसी की टेबल में नहीं आते। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या होगा, 2 × 7 = 14। तो यहाँ हमारे पास 2 और 7 का जो एलसीएम है वो 14 होगा और जो हमारे पास 2 और 7 का एचसीएफ है वो 1 होगा। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड अगर आप सीखना चाहते हो तो लास्ट वीडियो देखें, उसमें हमने बिल्कुल डिटेल से इनके बारे में डिस्कस किया है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के फैक्टर में से हम जब हाईएस्ट कॉमन निकालते हैं, सभी के फैक्टर लिखते हैं, फिर उनमें से कॉमन फैक्टर्स होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही एचसीएफ होता है। ऐसे ही 2 या 2 से अधिक नंबर्स के मल्टीपल्स लिखते हैं, उनमें जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो क्या होता है, एलसीएम होता है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 864, 2 नंबर्स का एलसीएम दे रखा है 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144 और उनका एचसीएफ क्या है 144। इफ वन ऑफ द नंबर इज 288 देन फाइंड अदर नंबर, अगर उनमें से एक नंबर 288 है तो अदर नंबर, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस किया था, इसमें वही रूल लगेगा। क्या लगेगा, देखो हमारे पास रूल क्या है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर किसके इक्वल होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं और उनका एचसीएफ और एलसीएम है हमारे पास, तो हमारे पास रूल क्या है, फर्स्ट नंबर को अगर हम सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। जैसे हमारे पास एक्स वाई हमारे पास दो नंबर हैं, तो एक्स मल्टीप्लाई वाई किसके इक्वल होगा, इनका एचसीएफ मल्टीप्लाई इनका एलसीएम। ये हमारे पास रूल है जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब दोस्तों यहाँ इस रूल को हम फॉलो करते हैं, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम हमारे पास दे रखा है एंड एचसीएफ, एचसीएफ की वैल्यू पुट कर दी और एलसीएम की हमने वैल्यू पुट कर दी 864। फर्स्ट नंबर भी यहाँ पर दे रखा है 288, निकालना क्या है हमें सेकंड नंबर, जो हमारे पास सेकंड नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो दोस्तों यहाँ से सेकंड नंबर क्या आएगा, यहाँ ये हमारे पास
जो 288 है वो मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा सेकंड नंबर। यहाँ ये 2 जा 228, 2 1 जा 2 और यहां से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो क्या आया 432। क्या किया दोस्तों, हमें रूल का पता है क्या है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू किसके होता है एचसीएल मल्टीप्लाई एलसीएम। तो दोस्तों ये रूल कहाँ से आया, लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर हम कोई दो नंबर लेते हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो उन दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होती है। तो यहाँ से इस रूल को फॉलो किया, सभी की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास क्या आया सेकेंड नंबर, और यही हमने फाइंड आउट करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जो आज का सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, देखो फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12 एंड 16 लीव्स ए रिमाइंडर 2 इन ईच केस। एक ऐसा लीस्ट नंबर, एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर हम 4, 6, 8, 12 और 16 से डिवाइड करते हैं, अलग अलग सभी से डिवाइड करते हैं, तो हर केस में जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 2 शेष बचता है। क्या क्या, किस किस से डिवाइड करते हैं 4, 6, 8, 12 और 16, कोई हमारे पास एक नंबर है वो फाइंड आउट करना है, अगर हम उसको 4, 6, 8, 12, 16 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हर एक केस में रिमाइंडर है जो वो क्या बचता है 2। अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है, 6 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 2 बचता है, ऐसे ही हर एक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इन सभी नंबर्स का क्या निकालते हैं एलसीएम, इन सभी नंबर्स का पहले क्या निकालते हैं एलसीएम। तो दोस्तों इनका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालना मैंने लास्ट वीडियो में सोल्व ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है। देखो क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको देखेंगे, 16 चेक करेंगे, इन सभी की टेबल में आता है, इन सभी से डिवाइड होता है, 16 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड नहीं होता। अब 16 की टेबल रीड करेंगे, 16 2 जा 32, अब 32 चेक करेंगे, 32 इन सभी से होता है, 12 से नहीं होता, 6 से भी नहीं होता, 16 3 जा हमारे पास 48, 4 से डिवाइड होता है, होता है, 6 से डिवाइड होता है, होता है, 8 6 जा 48, 8 से भी होता है, 12 4 जा 48, 12 से भी होता है, और 16 3 जा 48, 16 से भी होता है। तो हमारे पास इन सभी नंबर्स का एलसीएम है वो क्या आएगा 48। एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिन नंबर का एलसीएम निकालना है उनमें सबसे बड़े को चेक करेंगे वो बाकी की टेबल में आता है या नहीं, नहीं आता है तो उसकी टेबल लिखेंगे आगे, 2 जा चेक किया 32 भी नहीं आता है, 16 3 जा 48, 48 चेक किया, 48 इन सभी की टेबल में आता है, इन सभी से डिवाइड होता है, तो इन नंबर्स का जो हमारे पास एलसीएम होगा वो क्या होगा 48। फाइंड आउट क्या करना है कि ऐसा लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन सबसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 दे। अगर 48 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये इसका एलसीएम है और ये इसको डिवाइड करेगा पूरा पूरा। अब हमें क्या करना है, 48 में क्या ऐड कर देना है जो हमें दिया है 50, 48 में क्या ऐड कर देंगे जो हमें दिया है, 48 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 50 आएगा, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि अगर हम 50 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आता है, 50 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। तो ये एक ऐसा लिस्ट नंबर है जिसको अगर हम इन सभी नंबर से अलग अलग डिवाइड करें तो हर केस में रिमाइंडर 2 आता है। तो ये आपको हमेशा माइंड में रखना है किस टाइप के सम में हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एलसीएम निकाला, क्या रिमाइंडर बचना चाहिए 2, 2 को इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास 50 आया। अब दोस्तों 50 को हम इन सभी से किसी से भी अगर डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या होगा 50। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5 एंड 6 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली।
एक ऐसा लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो अगर 4, 5 और 6 से अगर हम उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1, 2, 3 बचता है। अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचेगा, अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचेगा। एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 5 उसी नंबर को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचेगा, वो नंबर फाइंड आउट करना है। लास्ट वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड एक रूल करवाया था, वो क्या था, अगर हमारे पास ए बी सी 3 नंबर्स हैं और इनसे अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर पी क्यू आर बचता है। तो इस केस में क्या करना है, अगर चेक करना है ए माइनस पी इक्वल टू बी माइनस क्यू इक्वल टू सी माइनस आर, ये इक्वल है तो इन नंबर्स का हम एलसीएम लेंगे। चेक करना है इसमें कि हमारे पास ए माइनस पी बी माइनस क्यू और सी माइनस आर क्या होना चाहिए इक्वल। अब हम इसमें से चेक करेंगे, देखो हमारे पास ये ए ये बी ये सी ये पी ये क्यू ये आर, ए माइनस पी 4-1 क्या आएगा, 4-1 क्या आएगा 3, 5-2 क्या आएगा 3, 6-3 क्या आएगा 3। ए माइनस पी इक्वल किसके है, बी माइनस क्यू इक्वल किसके है, सी माइनस आर, ये इक्वल है तो हम क्या करेंगे 4, 5, 6 का क्या निकाल लेंगे एलसीएम, 4, 5, 6 का क्या निकाल लेंगे एलसीएम। और इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, सो ट्रिक मेथड भी अपना सकते हैं, 6 चेक करेंगे इनकी टेबल में आता है नहीं आता, फिर 6 की टेबल चेक करेंगे, 6 10 6 1 जा 6 6 2 जा 12 भी नहीं आता, 6 3 जा 18 भी नहीं आता, 6 4 जा 24, 5 जा 6 जा 6 10 जा 60 भी इनकी टेबल में 6 1 जा 6 नहीं आता, 6 2 जा 12, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60 ही आएगा। 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा 12 5 जा 60 होता है और 6 10 जा 60 होता है। तो यहां हमारे पास एलसीएम क्या आया 60, यहां हमारे पास एलसीएम क्या आया 60। ऐसे करने की बजाय हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यहां से फिर 3 1 जा 3, यहां से फिर 5 1 जा 5, इन सभी की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहां से 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 60। अब क्या करना है कि जो हमारे पास ये इक्वल आया है वो क्या आया है 3, ए माइनस बी पी बी माइनस क्यू सी माइनस आर क्या आया है हमारे पास 3 आया है, ये सभी केसेज में सेम है 3 है, तो क्या करना है एलसीएम में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 57। जो हमारे पास एलसीएम आया है उसमें से हम इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 57। अब 57 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अगर 57 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। अगर 57 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो दोस्तों 57 एक ऐसा लिस्ट नंबर है जिसको अगर हम 4, 5, 6 से अलग अलग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर क्या बचते हैं 1, 2, 3। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सोल्व किया, सबसे पहले चेक करेंगे a माइनस पी बी माइनस क्यू सी माइनस आर इक्वल है, इक्वल है तो एलसीएम निकाल लेंगे और जो ये वैल्यू आई है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या है, ए मिल्क मैन हैज 75 लीटर मिल्क इन वन कैन, एक मिल्क मैन के पास एक कैन में 75 लीटर मिल्क है एंड 45 लीटर इन अनदर, दूसरी कैन में 45 है, एक कैन में हमारे पास 75 है और एक कैन में 45 है, मिल्क है दोनों में। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर मिल्क ऑफ आइदर कंटेनर इज, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इज,
क्या कहा इसने कि वो मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है कंटेनर की, कि हम एक कंटेनर के द्वारा अच्छे तरीके से दूध को माप सके, ऐसा हमने फाइंड आउट करना है। द मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है कंटेनर की, जिससे हम मेजर कर सके मिल्क को आइदर कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, कि हम ऐसा कंटेनर जिसमें अलग अलग से माप सके। तो इस केस में दोस्तों हमने करना क्या है, 75 और 45 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ये दोस्तों मैंने ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं जिसमें अलग अलग रूल यूज करेंगे हम। सबसे पहले हमने किया फर्स्ट मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। दूसरे में हमने ऐसा नंबर देखा जिनका रिमाइंडर, जिस नंबर को अलग अलग नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है। थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा कोई तीन नंबर हमारे पास है, उससे अगर एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो अलग अलग रिमाइंडर बचता है। नेक्स्ट है हमारे पास एचसीएफ से रिलेटेड, इसमें हम एचसीएफ निकाल लेंगे। और हम एचसीएफ निकालते कैसे हैं, हमारे पास एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ हम 75 के डायरेक्ट फैक्टर भी लिख सकते हैं और करके भी लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे और ऐसे ही यहां से ये इसके फैक्टर आएंगे। आते हैं आपको करने, 5 1 5 5 5 5, इसको हम 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 से भी, 5 1 5 5 5 5 25 5 3 15, और यहाँ से 3 1 3 3 5 15 3 5 15 5 1। तो यहाँ से हमारे पास जो 75 है उसके फैक्टर आए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, और जो हमारे पास 45 है उसके फैक्टर क्या आए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ से जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 3 है और 5 है, तो 3 मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा, 15। तो हमारे पास जो यहाँ से HCF आया वो कितना आया, 15। HCF है जो हमारे पास वो क्या आया, 15। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, इसको हम अलग अलग कंटेनर में 15 15 लीटर की सहायता से माप सकते हैं। तो हमारे जो आंसर है वो 15 आया। तो दोस्तों जहां मैक्सिमम कैपेसिटी पूछी है वहां हमने क्या निकाला है, एलसीएम निकाला। जहां लिस्ट की बात हुई थी वहां क्या निकाला था, एलसीएम निकाला था। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। अब यहाँ मैक्सिमम कैपेसिटी है तो हमने एचसीएफ निकाल दिया, ये इसके लिए हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। ये हमारे पास फ्रैक्शंस दे रखे हैं 2/3, 4/5, 7/8। ये हमारे पास फ्रैक्शंस है, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इससे रिलेटेड भी हमने एक रूल बताया था आपको लास्ट वीडियो में। ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शंस, इनको हम पी बाई एम की फॉर्म में लिखते हैं, ये फ्रैक्शन है। यहाँ ये हमारे पास भिन्न होती है, इसको हम अंश कहते हैं, इसको हम हर कहते हैं। ये हमारे पास न्यूमिरेटर होता है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। तो इसमें हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए तरीका क्या है, जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं फ्रैक्शन का तो न्यूमिरेटर का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। 2/4 7 का क्या निकाल लेंगे, HCF ऑफ 2/4 7, और डिवाइड पे हमारे पास LCM ऑफ 3/5 8, ये निकाल लेंगे। जो हमने फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है, तो इन नंबर्स का HCF और डिवाइड वालों का LCM। अगर हमने LCM फाइंड आउट करना है तो इन नंबर्स का LCM निकालेंगे, डिवाइड में HCF निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास 2/4 7 है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 होगा, तो यहाँ से एचसीएफ क्या आएगा, 1। कैसे होगा 1, क्योंकि 2 के फैक्टर हमारे पास 2 और 1 होते हैं, 4 के फैक्टर हमारे पास 2 2 4 और 1 होते हैं, और 7 के फैक्टर हमारे पास 1 और 7, जो तीनों में कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास 1 है, तो इसका हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद 3/5/8 का जो हमारे पास एलसीएम है वो क्या आएगा, 3/5/8 इनकी टेबल में नहीं आता है, 8 2 16 16 भी नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता, 8 3 24 24 भी नहीं होता, 8 4 32 32 भी नहीं होता, 8 5 40 43 से डिवाइड नहीं होता। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 8 5 40 और 43 100।
इस कैल्शियम क्या आएगा 120, ऐसे निकाल के भी देख सकते हैं हम। यहां से ये 2, 2 4 जा 8, 3 5, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यहां से 5, 3 जा 15 क्योंकि यहां से 3 1 जा 3 करेंगे और फिर 5 1 जा 5 करेंगे। तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, 32 जा हमारे पास 16 और 16 2 जा 120। तो इन कैल्शियम हमारे पास क्या आएगा 120। तो इस इन सभी फ्रैक्शंस का जो HCF है हमारे पास वो क्या आया 1/120। ये हमारे पास इनका क्या आया HCF आया। अब हम निकाल लेंगे LCM। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये नंबर है इनका क्या निकाल लेंगे LCM 2, 4, 7 का, और इसके बाद इनका निकाल लेंगे HCF 3, 5 और 8 का। एलसीएम क्या होगा हमारे पास 2, 4, 7 का। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, 7 की टेबल रीड करेंगे, 7 इनकी टेबल में नहीं आता, 2 जा 14 भी नहीं आता, 7 3 जा 21 भी नहीं आता, 7 4 जा 28, 7 4 जा क्या होता है हमारे पास 28, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 7 से भी। तो इनका एलसीएम क्या होगा 28, और डिवाइड में इनका हम क्या निकाल लेंगे एचसीएफ, और 3 के फैक्टर हमारे पास 3 और 1 होते हैं, 5 के फैक्टर 5 और 1, और 8 के फैक्टर हमारे पास 2 2 जा 4 2 जा 8। इन सभी में जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है वो क्या है 1। तो इनका HCF हमारे पास क्या होगा 1। तो यहां से हमारे पास जो इन तीनों फ्रैक्शंस का LCM है वो क्या आएगा 28। तो दोस्तों अभी हमने सीखा कि फ्रैक्शंस का HCF और LCM कैसे निकालते हैं। हमेशा याद रखना है जब फ्रैक्शंस का HCF निकालना है तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM, जब LCM निकालना है तो ऊपर वालों का LCM, नीचे वालों का HCF, ऐसे हम फ्रैक्शंस के HCF और LCM निकालते हैं। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया HCF और LCM से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से आ जाए। और लास्ट वीडियो में हमने HCF और LCM के बारे में डिटेल में जाना था, उससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स के बारे में जाना था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी वीडियो जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, तो सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। इस सीरीज से रिलेटेड आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने HCF और LCM के बारे में सीखा। अब आप दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।